पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नेताओं के पार्टी बदलने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले आयराम गयाराम चलता रहता है, इससे पार्टी का कोई फर्क पार्टी को नहीं पड़ेगा, बीजेपी देखे कैसे संभालेगी। बता दें कि कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले आयाराम जयाराम चलते रहता है और भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है और दूसरे दलों आने वाले लोगों को कैसे संभाली वो हमको भी पता है। जानकारी के साथ सहयोगी सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, एक तरफ लोकसभा का चुनाव और उससे पहले बड़े झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, लेकिन दीपक बैज कह रहे हैं कि आयाराम गयाराम की बात है, चलती रहती है। ये कांग्रेस से दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसे फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक समीकरण जो क्षेत्रीय स्तर पे बनते हैं या जातिगत समीकरण जो बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों नेता एक बड़ा ओहदा रखते हैं, क्योंकि एक तो पूर्व विधायक हैं, टिकट नहीं मिलने के वजह से नाराज थे, दूसरे चौलेश्वर चंद्राकर ये भी ओबीसी मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो समझिए कि ऐसे नेता हैं जिनका अपना एक जनाधार होता है और ऐसे नेताओं के छोड़ने से चाहे किसी भी पार्टी से छोड़े फर्क तो पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाना बताना नहीं चाहेगी और तब जबकि सामने लोकसभा चुनाव है उससे पहले किसी भी तरह से वो बैकफुट पे है ये बताने की कोशिश तो नहीं करेगी। हालांकि ये जरूर है कि अब इन नेताओं ने प्रवेश, बिल्कुल सत्यप्रकाश आपने सही कहा कि फर्क तो पड़ता है, फर्क इसलिए भी ज्यादा पड़ता है कि जो नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं उसमें आपके पूर्व विधायक भी शामिल है। फिलहाल शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।